आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप हमें देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल पर और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी। और इस वक्त हम आपके लिए लाइव सेशन लेकर आए हैं, लाइव फ़ोन इन सेशन है। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल आए जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज पर, तो आप अपने सवाल हम तक ज़रूर शेयर करें। किस तरह करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। हम आपको बताएँ अपने खुद से जुड़ने के तरीके। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर है 8800440559। यह हमारा टेलीफोन नंबर है। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। ईमेल एड्रेस इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, dth.class10@cit.nic.in। इस ईमेल एड्रेस पर आप हमें ईमेल करेंगे। और मानस जल संसाधन इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमारे विशेषज्ञ तक ज़रूर पहुंचाएं। और हम आपको ये भी बता दें कि कौन कौन से प्रोग्राम आप पीएम ई विद्या चैनल पर अब से लेकर शाम 5 बजे तक देख सकते हैं। हम थोड़ी ही देर में आपके लिए लेकर आएंगे मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10th के खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पार्ट थर्ड पर चर्चा होगी। आज 3 बजे उर्दू के नवी जमात के तालिबात के लिए लेकर आएंगे एक सबक। 3:30 बजे साइंस के 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आएंगे टॉपिक सेपरेशन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो किस तरह से सेपरेट किया जाता है एक मिक्सचर से कॉम्पोनेंट्स को आपको बताया जाएगा। उस समय आप इस कार्यक्रम का हिस्सा ज़रूर बने। 4 बजे हमेशा की तरह हम लेकर आएंगे वेबिनार, जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही ज़रूरी ICT टूल की। और 5 बजे का समय रहेगा सहयोग सेशन का, जिसमें हम बात करते हैं मेंटल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन इस पर। और आज का हमारा शीर्षक रहेगा रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो इन सभी कार्यक्रमों का हिस्सा आप बन सकते हैं। और हम आपको भी बता दें कि जैसे हमने आपको बताया कि हम जल संसाधन पर बात करने वाले हैं, और ये 10वीं जमात के यानी कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, भूगोल का विषय है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी एक्सपर्ट, आप हैं मिसेस पुष्पा त्रिपाठी। आप वाइस प्रिंसिपल है गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 22 द्वारका दिल्ली से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैम आपको हमारी आवाज़ आ रही है? और हमारी जो एक्सपर्ट हैं हमसे जुड़ चुकी हैं, और शायद किन्हीं वजह से उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन एक बार फिर से हम आप सभी को बता दें कि हम बात करने वाले हैं जल संसाधन पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें जल संसाधन सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि जल बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। अगर जीवन है तो जल है। और हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं अपनी विशेषज्ञ से। मैम आपको हमारी आवाज़ आ रही है? और जब तक हम मैम से संपर्क साधते हैं, आपको हम अपने फ़ोन नंबर फिर से बता देते हैं, ताकि आप हमसे कांटेक्ट कर पाएँ और अपने सवाल हमसे, हमारे विशेषज्ञ से आप पूछ सकें। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। ये हमारा नंबर है। और आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपनी क्वेरीज, अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। और हम स्वागत करते हैं अपने विशेषज्ञ का। आप हैं मिसेस पुष्पा त्रिपाठी, आप वाइस प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 22 द्वारका नई दिल्ली से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम जी। और मैम हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि हम जल संसाधन पर बात करने वाले, जल संसाधन जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और हम ये कहेंगे कि जब तक मानव समाज है जिंदा, तब तक जल संसाधन की महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो हम अगर अपने इस सेशन की शुरुआत करें, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि पानी को यानी जल को संसाधन क्यों माना जाता है, इस बात से हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे जी। जल को संसाधन हम इसलिए मानते हैं क्योंकि संसाधन होने की कुछ अपनी शर्तें होती हैं। कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हो, या तकनीकी रूप से वो हमें उपलब्ध हो, और वो सांस्कृतिक रूप से उसकी वैधता हो, और उसकी प्राप्यता ऐसी हो कि हम अपने आर्थिक संसाधनों से प्राप्त कर सकें। जी। तो वाटर रिसोर्स एंड जल संसाधन इन सारी शर्तों को पूरा करता है, साथ ही ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
जी, तो जैसा आपने कहा कि जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर मैम ये बात आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम जल की बात करते हैं, अगर पूरी पृथ्वी की हम बात करें तो 3/4 पृथ्वी जल से भरी हुई है और जल का जो प्रोपोर्शन है इस दुनिया में वो लैंड से ज़्यादा है। तो ऐसे में भी अगर हम आज के समय की बात करें तो क्यों हमें पानी की स्कार्सिटी से गुजरना पड़ता है, पानी का संकट क्यों हमारे सामने आता है? आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है और इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन यही देखने वाली बात यह है कि ये 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, इसमें से 97.5% भाग समुद्रों में है जी। और समुद्री भाग हम सभी जानते हैं लवणीय है, खारा है, जो डायरेक्ट उपयोग में नहीं आ सकता है। सिर्फ 2.5% भाग है जो फ्रेश वाटर है, ताजा जल है, जिसे हम पीने, घरेलू उपयोग, कृषि और अन्य सभी मानव के लिए जो भी उपयोगी है उसके लिए हम उपयोग में लाते हैं जी। तो मैम ये तो रही वो बात कि हमें क्यों पानी का संकट, हम ज़रूर आपसे इस बारे में भी और ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन अभी हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी PPT के माध्यम से हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो लर्नर्स हैं, उन्हें समझाएं और बताएं। ओके मैडम, सभी को नमस्कार एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे भारत समसामयिकी भारत, जो कि कक्षा 10 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, इसका चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। जल की उपयोगिता और महत्वपूर्णता को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये एक लंबा चैप्टर है और इसे होना भी चाहिए, लेकिन आज आधे घंटे की समय सीमा को देखते हुए हम इसमें से कुछ सब टॉपिक्स को ही कवर करेंगे। वो सब टॉपिक्स हैं हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड इट्स अवेलेबिलिटी ऑन अर्थ, यानी जल का महत्व और पृथ्वी पर इसकी उपलब्धता, यानी कितना जल है उपलब्ध और कितना हम अपने काम में लाते हैं, और इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन इंडिया, यानी भारत में जल की उपलब्धि। हम चर्चा करेंगे जल आक्रांतता की, यानी जल के अभाव की और इसके कारण क्या हैं, और हम बाद में देखेंगे कि प्रबंधन में रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, बांध परियोजनाएं कितना हमारे लिए उपयोगी हैं, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं जी। अगर हम इस पाठ को शुरू करने से पहले जान लें कि भारत हमारे लिए जल कितना महत्वपूर्ण है, तो बहुत जरूरी होगा कि जीवन का कोई भी रूप हो, वो चाहे कोई जल जीव हो, जीव जंतु हो, पौधे हो, बिना पानी के हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जल का महत्व पृथ्वी पर कितना है, ये हम इसी चीज से जान सकते हैं कि वास्तव में जीवन का जो विकास हुआ है, जीवन की शुरुआत हुई है, वो समुद्र से हुई है, जल से ही हुई है। और इसके अलावा हमारे जो शरीर का भाग है वो 70% पानी से बना हुआ है, और ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि पूरी पृथ्वी पर भी 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है और हमारा शरीर भी 70% लगभग इसमें जल है। इन सारे चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पानी बहुत महत्वपूर्ण है। अब चूंकि जल इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में, इसके विभिन्न तथ्यों के बारे में हम सबको जागरूक होना चाहिए और जानना चाहिए। इसके बारे में जानने से पहले ये बहुत जान लेना जरूरी है कि इसके कुछ तथ्य और आंकड़े क्या हैं। अभी जैसा कि हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं कि पूरी पृथ्वी 97.5% पूरी पृथ्वी पर जो भी जल है वो समुद्र में है, और ये समुद्र का जल हम डायरेक्ट रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये बात एक अलग है कि वाष्पीकरण, संघनन और प्रेसिपिटेशन के माध्यम से ये सारा जल हमारे पास पुनः वापस आता है, क्योंकि वाटर एक रिसाइकलेबल और पुनर्नवीकरण संसाधन है, इसलिए ये पृथ्वी पर जब भी किसी भी रूप में गिरता है तो ये पुनर्नवी हो जाता है। इसमें 2.5% जल फ्रेश है, ताज़ा है, जो कि हम पीने के, घरेलू उपयोग और अन्य सभी कृषि कार्यों तक में ला सकते हैं। इंडस्ट्रीज में भी हम यही जल इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इस 2.5% जल को
फिर से एक संपूर्ण इकाई मान लें, यानी 100% मान लें, तो जो तथ्य सामने आते हैं वो बहुत ही रोचक हैं कि 2.5% वाटर में से 68.9% आइस सीट्स में, ग्लेशियर्स में और ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों पर बर्फ के रूप में जमा है, जहाँ की हमारी पहुँच ज़्यादा आसान नहीं है। अब उस 100% में से फिर हम 30.8% की देखें तो ग्राउंड वाटर है, उसके लिए भी हमें खास प्रयास करना पड़ता है। सिर्फ 0.3% वाटर है जो नदियों में, झीलों में और तालाबों में सुरक्षित है, जिसका हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। मैम, यानी कि अगर जैसे आपने कहा कि 2.5% पानी को अगर हम एज अ होल 100% मान लें, तो आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे आपने कहा, और उसमें से बस 0.3% ही है जो लेक्स और रिवर्स में जो हमारे पीने लायक है। यस यस जी जी, इसी से हमें पता चलता है, ये एक बहुत रोचक तथ्य इसलिए भी बन जाता है मैडम कि हमें अपने नदियों की, तालाबों की और जो भी धरातलीय जल है, जो ऊपर जल है, सतही जल, उसकी सुरक्षा करना और उसको बचाना कितना जरूरी है। जी, उसको बचाना कितना जरूरी है। यस मैम, प्लीज मैम। आगे एक ये आप इसमें देख सकते हैं, एक बहुत ही बढ़िया चार्ट है जो कि सेंट्रल वाटर कमीशन के रेफरेंस से लिया गया है। इसमें सारा कि वाटर इन ओशन, टोटल वाटर जो पृथ्वी पर है वो 1.4 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर जी, और इसमें 1.365 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो कि 97.5% बनता है वो ओशन में है। फ्रेश वाटर 0.035 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है जो 2.5% बनता है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कि भारत में, ये तो हमने पूरे विश्व के संदर्भ में जाना, भारत में इसकी क्या स्थिति। भारत जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 16% शेयर करता है, यह एक बहुत बड़ा भाग है पूरे विश्व में। भारत पॉपुलेशन के मामले में देखें तो दूसरे नंबर पर है चीन के बाद, लेकिन वर्ल्ड का जितना कुल धरातलीय भाग है उसका सिर्फ 2.45% ही भारत के पास है। तो यह एक वो है, कंट्राडिक्शन है। अब और चीज आती है कि 16% आबादी है लेकिन टोटल जो वाटर रिसोर्स है विश्व का उसका सिर्फ 4% ही भारत के पास आता है, भारत को मिलता है। ये प्राकृतिक है, इसके लिए हम किसी को शिकायत नहीं कर सकते हैं जी। और इस लहजे में इंडिया 133rd उसमें आता है पर पर्सन पर एनम, यानी एक व्यक्ति एक साल में जितना पानी इस्तेमाल करता है उसमें हम 133वें नंबर पर आते हैं। इसे आप हमारी संरक्षण या प्रबंधन का भी वो कह सकते हैं कि हम पानी को बहुत अधिक खर्च नहीं करते हैं और हम अवेलेबिलिटी भी मान सकते हैं जी। और इसके अलावा हमारे देश में एक और भी रोचक तथ्य है कि 1500 क्यूबिक मीटर पर एनम हमें वाटर रिसोर्स से मिलता है। ये सभी साधन होते हैं वर्षा से, बेसिकली हमें मेनली वर्षा से ही मिलता है और ही जगह जगह पर इकट्ठा होता है, वो चाहे नदियों में हो या अंडरग्राउंड वाटर के रूप में हो। हमारा देश एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। मानसूनी जलवायु का तात्पर्य होता है ऐसी जलवायु जो जहाँ पर वर्षा जो है वो पूरे साल भर नहीं होती है बल्कि वर्ष के कुछ महीनों, विशेष रूप से गर्मी के महीनों में होती है। तो ऐसे जलवायु वाले देश में, हमारे देश में 114 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा हम प्राप्त करते हैं। एवरेज का मतलब है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य सब जगह जो वर्षा होती है उसको हम जब एक एवरेज निकालते हैं तो 114 सेंटीमीटर होती है। तो सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि 114 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो ये एक बहुत पर्याप्त वर्षा हमें दिखाई देती है। लेकिन यहीं पर ये बहुत ही रोचक बात है कि हमारा देश एक्सट्रीम्स वाला देश है, यानी एक तरफ जहाँ हमारे पास मेघालय में मौसिनरम नामक स्थान है जो विश्व की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, यहाँ वर्षा का रिकॉर्ड वार्षिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है, और वहीं पर दूसरी जगह
थार का डेजर्ट है जहाँ पूरे साल भर में भी 10 सेंटीमीटर वर्षा नहीं हो पाती है जी। इसके अलावा हम एक और चीज़ यहाँ पर जोड़ना चाहेंगे कि सिर्फ यही नहीं है कि जगह के परिप्रेक्ष्य में देखें, समय के परिप्रेक्ष्य में भी होता है कि मई जून में पश्चिमी घाट पर्वत पर नॉर्थ ईस्ट भारत में बहुत अधिक वर्षा हो जाती है और वहीं पर दूसरे कुछ महीने होते हैं नवंबर दिसंबर जहाँ पर उन जगहों पर वर्षा नहीं होती है। तो इन ये सारे तथ्य हमें ये समझने में मदद करेंगे आगे कि जल से संबंधित समस्याएं क्यों हैं। जी मैम, भारत में जल से संबंधित समस्याएं क्यों हैं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है तब जब हम जानते हैं कि 114 सेंटीमीटर वर्षा का रिकॉर्ड है हमारा एवरेज वर्षा। इसे हम एवरेज मानते हैं, यानी ये कम नहीं है ज़्यादा नहीं है, फिर भी हमें जलाक्रांतता यानी जल का अभाव क्यों महसूस होता है। तो इसके इसको समझने के लिए हम पहले नेचुरल रीजन्स पर जाते हैं जो प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण हो सकता है कि किसी जगह पर लो प्रेसिपिटेशन होता हो यानी वर्षा कम होता हो। ये जगह हो सकते हैं जैसे अभी बताया थार का रेगिस्तान हो सकता है, मध्य भारत में पठारी प्रदेश हो सकता है, या कुछ छाया क्षेत्र होते हैं रेन शेडो रीजन्स होते हैं वहाँ लो प्रेसिपिटेशन होता है जिसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा रेनफॉल का एनुअल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कभी कभी बहुत अधिक वर्षा हो जाती है किसी महीने में और किसी महीने में बिल्कुल नहीं होती। हाई ग्रेडियंट होता है, जैसे अभी आपने देखा नॉर्थ ईस्ट में हमने बताया कि बहुत अधिक वर्षा होती है, 1000 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां भी वर्ष के कुछ महीनों में हम जलाक्रांतता झेलते हैं क्योंकि हाई ग्रेडियंट वर्षा होती है और पर्वतों के माध्यम से वो निकल जाती है। किसी किसी जगह पर लो परमेबिलिटी ऑफ सॉयल भी होता है, यानी पानी बरसता तो है लेकिन वो हो चट्टानों के कारण और जो चट्टानों का ऐसा स्वभाव होता है कुछ जो कि पानी अंदर नहीं जाने पाता है, मतलब वो भूगर्भिक जल के रूप में अंदर नहीं स्टोर होने पाता है, वो या तो वाष्पीकरण से उड़ जाता है या तो वो हम दूसरे इधर उधर चला जाता है जिसके कारण हमें जलाक्रांतता उन क्षेत्रों में महसूस होती है। और एक और बहुत बड़ा कारण है, कई बार ऐसा होता है कि वाटर तो होता है हमारे आसपास लेकिन हम उसे पी नहीं सकते हैं जी, यानी जल इतना प्रदूषित हो चुका होता है नेचुरल काजेज से। ऐसा नहीं है कि हमें हम ही हमेशा गंदा करते हों जल को, क्योंकि हम ज्यादातर वाटर पॉल्यूशन को मनुष्य से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ चट्टानी स्वभाव ऐसा होता है, दलदल होता है जो जहाँ का वाटर पॉल्यूटेड रहता है जिसके कारण हम स्वाभाविक रूप से उस जल को नहीं पी पाते हैं। आपने कहीं कहीं बच्चे देखते होंगे हैंडपम्प के ऊपर क्रॉस का निशान लगा होता है और लिखा होता है कि यहाँ पर वाटर पॉल्यूटेड है, इसको कृपया इस्तेमाल ना करें। तो यानी कि नेचुरली वो पानी पॉल्यूटेड है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम पी नहीं सकते, इसका जो रीजन है वो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक ही है। हाँ, प्राकृतिक होता है कि चट्टानों में कुछ ऐसे लवण होते हैं जो ज्यादा मात्रा में घुल जाते हैं तो जिसके कारण वो वाटर इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाता है। जी, ये नेचुरल रीजंस हैं जलाभाव महसूस करने के। कुछ कारण लेकिन मैन मेड भी होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस होते हैं, और मैं कहूँगी कि मैन मेड रीजन्स ही हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कारण है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज होता है, यानी वाटर रिसोर्सेज का अतिशोषण। मैन मेड रीजन्स पर जब हम आते हैं तो हम मैडम एक बात और कहना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि बम्बई में बहुत बाढ़ आ गई या दिल्ली में बाढ़ आ गई, लेकिन उस बाढ़ के दौरान भी हमें पीने के पानी की कमी है जी। तो ये एक सोचने की बात है कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ हम अभी ध्यान केंद्रित करते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज पर। यस मैम, यहाँ पर हम ज़रूर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब वाटर एक्सप्लॉयटेशन की बात हुई है, ये जो शब्द हमारे सामने आया है इसका हम आपसे विस्तार से मतलब जानना चाहेंगे कि मैन मेड है वाटर एक्सप्लॉयटेशन, ये जो वर्ड हमारे सामने, इस टर्म को आप एक्सप्लेन करें प्लीज। ओके,
देखिए, जो भी वाटर स्कार्सिटी यानी जलाक्रांतता आती है, जलाभाव आता है, उसमें ये महत्वपूर्ण कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी अति शोषण, अति उपयोग, और विभिन्न सामाजिक ग्रुप्स के बीच में जल का असमान वितरण, वाटर रिसोर्सेस का मिसमैनेजमेंट यानी गलत प्रबंधन, और वाटर जो भी अवेलेबल है उसका निम्नीकरण। हम एक एक करके चलते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन से क्या तात्पर्य है। जल हमारे उपयोग के लिए ही ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, लेकिन अगर हम किसी भी चीज का अति उपयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन वो सवाल यह है कि जल ऐसी चीज तो नहीं है जिसका हम जबरदस्ती ज्यादा पी लें या ज्यादा पहन लें, ऐसा तो नहीं है, फिर भी एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है। तो इसके कारणों पर अगर हम ध्यान दें तो सबसे जो फोकस्ड कारण आता है वो है हमारा लार्ज पॉपुलेशन। हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है और ये जनसंख्या की अधिकता हमें जो डायरेक्ट उपयोग होता है, पीने का पानी, घरेलू उपयोग, सफाई, इनके इनके साथ साथ हमें ये अधिक पॉपुलेशन खाद्यान्न भी मांगती है, और खाद्यान्न का सीधा संबंध होता है कि कृषि उत्पाद बढ़ाए जाएं। जब कृषि उत्पाद बढ़ाए जाने की बात आती है तो देखिए, हमारे पास लैंड वही है जो सन 47 में थी, हमारे पास लेकिन आबादी 33 करोड़ से बढ़कर के 1 अरब 35 करोड़ हो गई है, लैंड उतनी ही है। तो हमें कृषि उपज को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1970 में हरित क्रांति शुरू हुई थी, और हरित क्रांति में पैकेज टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 3 चीजों पर जोर दिया गया था, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स की, और उर्वरकों के उपयोग की, और साथ में सिंचाई की। यानी ऐसे बीज वैज्ञानिकों ने पैदा किए जो कि थोड़ी सिंचाई बढ़ा करके बहुत अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। अब इस सिंचाई के लिए वर्षा की मात्रा भी कमोबेश आज उतनी ही है, तो हमने अंडरग्राउंड वाटर, आप देख सकते हैं कि पंजाब का किसान अंडरग्राउंड वाटर का कैसे चला करके और धान की खेती कर रहा है। तो अंडरग्राउंड वाटर का हमने ट्यूबवेल्स के माध्यम से शोषण किया, धरातलीय पानी का यानी नदियों के जल को हमने नहरें निकाल करके शोषण किया। ये एक बहुत ही वो जानने लायक बात है कि हमारा जितना जमीन के अंदर जल है, भूगर्भिक जल, उसका 89% कृषि में जाता है, और जो भी धरातलीय जल है उसका 92% कृषि में यूज होता है। तो इसे हम रोके कैसे? हम किसी को भूखों भी नहीं मार सकते हैं, कृषि की जरूरत है। तो इसके लिए फिर से हमें एक बार टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। और जैसे पंजाब में गेहूं होता है, गेहूं कम पानी लेता है, तो हमें वहाँ गेहूं की खेती पे जोर देना चाहिए। राजस्थान में बाजरा, ज्वार की खेती पे जोर देना चाहिए, ये कम पानी लेते हैं, और धान की खेती और इन सब इनकी खेती को हमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां पर प्राकृतिक रूप से वर्षा बहुत होती है। तो ये एग्रीकल्चर जो है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है जिसे हमें रोका जाना चाहिए। इसके अलावा वाटर का जो बहुत अधिक उपयोग हुआ है, आपने ध्यान दिया, दूसरा जो वो था वो एक्सेसिव यूज है। एक्सेसिव यूज, फिर से वही आबादी आ जाती है कि आबादी बढ़ने के साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, औद्योगिक क्रांति आई, तो हमारे देश में भी औद्योगिक क्रांति आई, बहुत सारे उद्योग शुरू हुए, परिणाम स्वरूप अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण शुरू हुआ। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कोई भी ऐसा उद्योग नहीं जो बहुत बड़ी मात्रा में पानी को न लेता हो। इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वस्त्र उद्योग है, पेपर इंडस्ट्री है, ये तो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनका आधार ही पानी है। इन पानी नहीं है तो ये उद्योग नहीं चल सकते हैं। तो एक एक तरफ तो ये पानी का डायरेक्ट उपयोग करते हैं, और दूसरी तरफ इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है, और बिजली के लिए फिर से जल विद्युत पर हम निर्भर करते हैं। यानी लगभग पूरी बिजली का 20% ऐसा है जो कि हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से मिलता है। तो एक बार हम फिर जल पर ही निर्भर हो जाते हैं। अब जहां तक नगरीकरण की प्रवृत्ति देखें तो नगरों में कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है।
मैम यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी कि समय सीमा हमारे पास थोड़ी कम है, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप ब्रीफ में हमें अपना पूरा जितनी भी चीज़ें आप इस चैप्टर में ले रही हैं उसे थोड़ा जल्दी जल्दी करें, ताकि हमारे सभी जो व्यूवर्स हैं उनको जितना भी नॉलेज आप देना चाहती हैं उन तक पूरा मिले। ओके, वेरी गुड। तो नगरीकरण एक और बड़ा बहुत बड़ा कारण है हमारे वाटर रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन का। इसके बाद हम देखते हैं अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर भी है, यानी कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अगर हम देखें तो नगरों में ज़्यादा वाटर की खपत हो रही है खपत, और गाँव में अभी भी कृषि को छोड़ दें तो साधारण इस्तेमाल के लिए ग्रामीणों को कम मिलता है। ये देख लीजिए आप, इसमें जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, सभी देख सकते हैं कि अनइक्वल एक्सेस है, कहीं एक पूरी लाइन लगी हुई है। इसके अलावा समय और स्थान दोनों के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि कुछ समय तो जलाक्रांतता रहती है और कुछ समय नहीं रहती है, और कभी भी जलाभाव को इस तरह से नहीं देख हम सकते हैं कि जहाँ बारिश नहीं हो रही है, चट्टानी भाग है, रेगिस्तान है, वहीं जलाक्रांतता होगी। बाढ़ वाले स्थानों में भी जलाक्रांतता होती है, यानी वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, सब जगह हम पानी के बीच में भी प्यासे रह जाते हैं। यस मैम, क्योंकि साफ पानी पीने की उपलब्धता जो है वो बहुत कम हो जाती है, तो चाहे पानी हमारे आसपास बहुत रहे लेकिन पीने का पानी बहुत कम हो जाता है, और साथ ही हम उसका मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो रन ऑफ। तो इसके अलावा जो हमारे यहाँ जलाभाव की स्थिति पैदा होती है वो इसलिए भी होती है कि क्वालिटी ऑफ वाटर खराब है, तो इसका हम अभी हम जिक्र कर चुके हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू यानी जो उद्योगों से निकलने वाला वेस्ट पदार्थ है, घरेलू वेस्ट है, ये सब हमारे जो धरातली स्रोत हैं उनमें बिना उपचार के मिला दिया जाता है। तो अब जैसे जमुना के किनारे या गंगा के किनारे लोग अगर ये कहें कि पीने के पानी की समस्या है, तो ये इसीलिए होती है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा हम उसको बहुत अधिक पॉल्यूटेड कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम धरातली जल को हम ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर लेते हैं तो उसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम जैसी चीज़ का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है। तो हमें अगर जलाभाव से निपटना है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमें अति शोषण से बचें, अति उपयोग से बचें, और क्वालिटी ऑफ वाटर बनाए रखने के लिए हम पॉल्यूशन को रोकें। जी, तो हम पाते हैं कि वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और इसकी आवश्यकता आज ही नहीं समझी गई। इसकी वाटर मैनेजमेंट की आवश्यकता हमारे भारत में प्राचीन काल से ही है, शायद इसीलिए हमने जल देवता की कल्पना की। जी, जल देवता है, इसलिए हमने नदियों को पूजने की शुरुआत की, जिससे इस बहाने से नदियां स्वच्छ रहें। तकनीकी का उपयोग करके भी वाटर को मैनेज किया गया। हम पाते हैं, अगर हम इतिहास पढ़ें तो हम देखेंगे कि गंगा रिवर को श्रृंगवेरपुर के पास, जहां से रामचंद्र जी ने वो पार किया था गंगा, वहाँ रिवर को चैनलाइज किया गया, यानी छोटे छोटे चैनल्स में बांटा गया, जिससे कि सिंचाई हो सके और फ्लड वाटर को कंट्रोल किया जाए। मैम, हम जैसे आप दिखा रहे हैं कि एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें, पुरातन भारत की बात करें, तो हम देखते हैं कि कई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की गई जिसकी वजह से पानी को बचाया जा सके। हम आज भी उन बावड़ियों को देखते हैं जहाँ पर पानी का, जिसे पानी की उपलब्धता मेंटेन हो, ऐसे राजाओं ने बनाया। और हम अगर आज के समय की बात करें 2021 में, तो हमारे पास टेक्निक बहुत ज़्यादा हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर उस ज़माने में ऐसे सब चीज़ें की जा सकती थी, तो हम इस दौर में भी ये सब कर सकते हैं। मैम, समय अभी बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन आपने अपना बहुमूल्य समय, दो मिनट में इसको कंक्लूड करते हैं। मैम, पुराने जमाने में जो चीज़ें की गई, समय मैम बिल्कुल मैम माफ़ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि समय बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इसको थोड़ा सा भी आगे एक्सटेंड करें, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगला जो सेशन हम लें वो इसी को कंटिन्यू करें, और आपकी जो बात है वो पूरी तरह से हमारे सभी लर्नर्स को समझ में आए और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो, क्योंकि ये चैप्टर जितना सुनने में इंटरेस्टिंग है, अगर आज के एरा में हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो बहुत रेलेवेंट चैप्टर है। मैम, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच मैम। और अपने सभी व्यूवर्स को हम बता दें कि हमारे साथ रही मिसेज पुष्पा त्रिपाठी, आप वाइस प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 22 द्वारका से, और हम बात कर रहे थे जल संसाधन पर। ये भूगोल के 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए था, और हम आशा करते हैं कि आपको इस चैप्टर से काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अभी फिलहाल इस सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, लेकिन पीएम ई विद्या चैनल पर आप बने रहिए हमारे दूसरे ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए। अभी फिलहाल मुझे रेणु भटक दीजिए इजाजत, नमस्कार।